हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नाम के ग्रंथ आठवां लंब और नंदाड्य ने अपनी पूरी बात बतलाई कि मैं भावी के पास में गया था और भावी गंधर्व दत्ता ने आपका परिचय दिया। मैं केवल आपका परिचय दिया अपितु मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से एक आसन पर शैया पर लेटाकर यहाँ तक भेज दिया और आपके लिए एक पत्र भी साथ में भेजा है। देखिए ये सब बातें सुनने के उपरांत जीवंधर कुमार का दुखी होना, यहाँ से बात को हमें आगे बढ़ाना है। पीछे एक मार्मिक बात कह दी गई थी कि भले ही मंत्र के प्रभाव से ऐसा कार्य हुआ हो लेकिन प्रत्येक मंत्र बोलने वाले के कार्य सिद्ध हो ही जावे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होना ये अपने अपने उदय के अधीन दिखाई देता है। ऐसा लगता है अपने को कि देखो ये मंत्र बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, अरे कोई भरोसा नहीं है। पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है। और सुनो, जब ये बार बार पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चा करते हैं तो अज्ञानी जीव पुण्य की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी जीव तो पुण्य से भी निरंतर भेद विज्ञान करता है। वो इस बात का विचार करता है कि ये पुण्य का उदय भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, पाप के उदय से दुखी होता हुआ तो सारा जगत दिखाई देता है, लेकिन पुण्य के उदय से भी सुख ये ज्ञानी नहीं मानता, क्योंकि जो वास्तव में सुख है वो इस वैभव में नहीं है, अपने स्वभाव में है। इस तरह से वो जीव और पुद्गल की भिन्नता, कर्म और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करता हुआ उपादान की योग्यता की तरफ ध्यान देता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। देखिए फिर भी जीवंधर कुमार चूंकि गृहस्थ तो है ही, कुछ दुखी इनका होना, क्यों दुखी हुए, कारण क्या था? देखिए 22 नंबर का श्लोक है, 384 नंबर का यह पेज है। अखिद्यत तत है स्वामी सदयैरनुचोदित स्नेह पाशो हि जीवानां संसारं न मुञ्चति। इसके बाद जीवंधर कुमार दयाजनक छोटे भाई नंदाड्य के कहे हुए वचनों से अत्यंत दुखी हुए। अभी तक तो नंदाड्य कह रहे थे और ये सारी कथा जीवंधर सुन रहे थे, सुनते सुनते वे अत्यंत दुखी हुए। निश्चय से जब तक संसार है तब तक प्राणियों का स्नेह रूपी बंधन नहीं छूटता है। ये बंधन है बहुत बड़ा, ये मोह का बंधन है, ये राग का बंधन है, ये कषाय का बंधन है, ये छूटता नहीं है। कब तक? जब तक संसार है। अब संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ दशा में रह रहे हैं, गृहस्थ और संसार दशा में रहते हुए ये मोह का बंधन तो रहेगा ही। ये भी गृहस्थ तो थे ही, न तो अभी मुनि हुए थे और न ही अभी पंचम गुणस्थान था, गुणस्थान तो चौथा ही था और चौथे गुणस्थान के काल में परिवार के प्रति राग और मोह होना ये स्वाभाविक सा ही है। और फिर अपनों का वियोग और फिर याद आए वापस, जब तक याद नहीं आए तब तक तो तकलीफ नहीं देता,
लेकिन याद आने के बाद वो तकलीफ होती ही है। तो देखिए यहाँ स्नेह रूपी बंधन कब तक नहीं छूटता, जब तक संसार दशा है। सर्वार्थ छोटे भाई नंदाड्डे के करुणाजनक कथन को सुनकर धैर्यशाली जीवंदर कुमार भी अत्यंत दुखी हुए। नहीं तो खुद धैर्यशाली, उसके बावजूद भी कितना भी धैर्यशाली क्यों नहीं हो, कितना भी धैर्यशाली क्यों नहीं, बेटे का मरण हो जाए ना तो अच्छे अच्छे धैर्यशाली टूट जाते। मने अपनों की याद आए ना तो कितने भी धैर्यशाली हो तो फिर वो दुख और तकलीफ तो होती ही है। कितना समय हो गया और पत्नी की चिट्ठी भी आई साथ में, तो एकदम मोह भाव के कारण थोड़ा खेत खिन्न हुए, दुखी हुए, करुणाजनक, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मनुष्य को स्त्री पुत्रादि विषयक स्नेह भाव तो रहता ही है, छूट नहीं पाता। आप कितना भी जगत जनों में इस तरह की चर्चाएं करते हों, लोग ऐसी बातें कहते हों, इनको तो मोह ही नहीं है। बातें कहते हैं लोग ऐसी, इनको तो मोह ही नहीं है साहब बिल्कुल भी, इनको तो अपनापन ही नहीं है, बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे से। लेकिन आप ये गलत फहमी में हैं, संसार दशा में मोह छूटता नहीं है। मंदता तीव्रता जरूर होती है, कुछ कम हो जाता है, कुछ अधिक हो जाता है। जो पिता या जो माता पिता समझ लो, आप कभी भी बच्चे को डांट रहे हो, पिटाई कर रहे हो उसकी, और ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी, मेरे तो अपने ही नहीं है, तो ये तो मुझे अपना समझते ही नहीं है, ऐसे डांटते हैं, ऐसे पीटते हैं मेरे को। ये शिकायत उसने आकर के हम जैसे किसी व्यक्ति से कही, तो बिल्कुल अपनापन नहीं है हमारे व्यक्ति, ये तो बहुत आपको पता नहीं है, आप कैसे हैं मेरे बाबा, आपको मालूम नहीं है, ये तो इतना डांटते हैं और मेरे को हर समय उल्टा सीधा कहते रहते हैं, बिल्कुल भी अपनापन नहीं है। तो हमने कहा सुन भाई, अब जब कभी ये तेरे को डांटे, ये कभी तेरे ऊपर हाथ उठाए, एक चांटा भी मारे, तो तू एक काम करना, नाटक करते हुए बेहोश हो जाने का, बेहोश होके दिखाना, ड्रामा करना थोड़ा सा ऐसा, क्या तुझे लगता है ना कि इनका मोह तेरे प्रति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तेरे को यदि देखनी है गहराई से, तो तू एक बार हमारे कहने से ऐसा नाटक करके देखना। बोलो, यदि डांटते हुए वो बच्चा एकदम चक्कर खा करके गिर जाए, तो बोलो आप डांटेंगे कि उसे संभालेंगे? बिल्कुल अपनापन नहीं है ना। देखो मंदता तीव्रता हो सकती है, लेकिन अभाव नहीं हो सकता। संसार दशा में रहते हुए पत्नी पुत्र माता पिता भाई बहन, इनके प्रति तो प्रेम होता ही होता है, कितने भी एक दूसरे के दुश्मन हो भाई भाई, लेकिन उसके बावजूद भी भाई का भाई के प्रति प्रेम तो है ही। दुश्मन दिख रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, लेकिन तो भी यदि आप मरणासन्न सैया पे पड़े हो, तो जरूर वो उसके मन में आएगी बात की, यार भाई तो मेरा ही है। ये कह रहे हैं यहाँ विशेषार्थ में, स्त्री पुत्रादि के प्रति स्नेह भाव रहना वह तो गृहस्थ जीवन का स्वरूप है। गृहस्थ जीवन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, चौकड़ी के चले जाने पर भी जब तक अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी विद्यमान है। चौकड़ी तो जानते हैं सब राजेश जी साहब, चौकड़ी माने क्रोध मान माया लोभ, ये कहलाती चौकड़ी। ये अनंतानुबंधी चौकड़ी कहे तो क्या लगाना भीम जी भाई साहब, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। जब अनंतानुबंधी चौकड़ी कहे, जब कहें अप्रत्याख्यान चौकड़ी, तो क्या लगाना
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। जब कहें प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी वही क्रोध मान माया लोभ। जब कहें संज्वलन चौकड़ी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। देखिए ये शब्द शायद कोई ऐसे बुजुर्ग मिले हमारे जैन समाज में जिन्होंने ये शब्द कभी बोले नहीं, लेकिन अर्थ और भाव पूछो तो किसी को पता नहीं। आलोचना पाठ तो बहुत पुराने समय से घर में हमारे बुजुर्ग अम्मा जी दादाजी पुराने लोग वो सब बोलते रहे हैं, और उसमें एक लाइन आती है अनंतानुज बंधी जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकड़ी बोलिए सब वेद जो सोड़स। अरे ये क्या है अनंतानुज बंधी जानो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो और संज्वलन और सबके साथ में लगा दिया चौकड़ी। अब पूछो किसी से अर्थ है अनंतानुबंधी। पहले में है, चौथे में जाती है, अप्रत्याख्यानावरण पांचवे में जाती है, छठे सातवें में प्रत्याख्यानावरण चली जाती है और दसवें के अंत में संज्वलन चली जाती है। सूक्ष्म लोभ रहता है ना दसवें गुणस्थान तक, दसवें के अंत में जाता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब कभी आलोचना पाठ बोलते हैं तो क्या कभी हमें इन चौकड़ियों का पता लगता है? सब भेद जो सोड़स, सोड़स माने सोलह, सिक्सटीन, सोड़स माने सोलह होता है ना, सोड़स कारण गुण करे हरे चतुर गति वास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। देखो वो सोड़स शब्द बता रहा हूं मैं तो, इन दिनों सोलह कारण पूजन कर रहे होंगे आप लोग। ये सोड़स क्या है? सोड़स माने सोलह, सब भेद जो सोड़स गुणी है, संज्वलन चौकड़ी, चौकड़ी माने चार। मोटी मोटी बातें तो ख्याल में आती रहे, हमारे दिमाग में पक्की होती रहे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ क्या कह दिया, देखो गृहस्थ जीवन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के चले जाने पर भी जब तक अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी विद्यमान है, माने ये चार चार कषाय विद्यमान है, तब तक स्त्री पुत्रादि के प्रति राग भाव रहना भूमिका के अनुसार स्वाभाविक ही है। ये राग भाव भूमिका के अनुसार ही है, ये भूमिका को छोड़ करके नहीं है, होता है। नहीं होवे तो समझ लेना वो उचित नहीं है, नहीं होवे तो फिर वो भी तीव्र कषाय का परिणाम है, वो नाटक है। वो माने समझ लीजिए कल परसों की वो घटना चारों तरफ घूम रही है, 15 साल की बच्ची ने अपने पिता की हत्या कर दी, जैन समाज की थी, बोलो आप, 15 साल की छोटी बच्ची ने, हाँ हाँ जैन समाज, और गोधा है, हाँ बेंगलोर की, राजस्थान की थे, पता नहीं किसी गांव के जैन, दिगंबर जैन और गोधा गोत्र, और 15 साल की उम्र, विराटनगर के पास या अलवर के पास के रहने वाले। बोलो कितनी कितनी दर्दनाक घटना थी, अभी तो मुँह ही नहीं बचा बिल्कुल भी, क्यों बिल्कुल भी नहीं है ना, क्यों सम्यक दृष्टि हो गई होगी वो तो, जिसके अनंतानुबंधी नहीं होता वो तो सम्यक दृष्टि होता है, बोलो था या नहीं था? आप कहोगे साहब ये तो मार दिया ना, क्या ये तो मार दिया ना उसको, अब ये जब जान से मार दिया तब तो मोह नहीं था ना। मैं आपसे पूछता हूँ मोबाइल लेने के लिए और देखने के लिए तो कितने लोग मना करते हैं, उनको ही क्यों मारा? क्योंकि ये अपने हैं। आप समझ रहे हैं बात, दूसरा व्यक्ति कोई मना करे तो इतना फर्क नहीं पड़ता,
ये जो द्वेष बुद्धि दिख रही थी, इस द्वेष बुद्धि के पीछे अपनापन कारण था। समझ में आ रही है सब? दूसरा व्यक्ति पड़ोसी कितना ही मना करे, यार तू मोबाइल कम चलाया कर, थोड़ा सा मार देंगे उसको जाके, फर्क नहीं पड़ता है। पिताजी है ना, ये रोज रोज टूटते हैं। बोलो, अब ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो अपनापन है, आपको ऐसा लग रहा है अपनापन नहीं, आपको ऐसे लग रहा है इसके तो कषाय नहीं बची होगी, अनंतानुबंधी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो आप, अनंतानुबंधी के बिना ये काम नहीं होता, ये कषायों के बिना काम नहीं होता है। और कषायें भी दो तरह से देखी जाती है, एक तो कषायें सहज कषाय हो और दूसरा उसकी पूर्ति नहीं हो राग भाव की तो कषाय उत्पन्न हो। दो तरह से होगी ना बात, एक तो दुश्मनी है, जन्मजात दुश्मनी चल रही है, एक दूसरा ये कि हमारे राग की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो द्वेष में बदल जाता है। हमारे काम की पूर्ति नहीं हो रही, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, विषय की पूर्ति नहीं हो रही, हम जो चाहते थे वो काम नहीं हुआ तो फिर दुश्मनी में बदल जाता। कितनी घटनाएं दुनिया में ऐसी चलती है बतलाओ, कि लड़की को बहुत पटाने की कोशिश की और नहीं मानी तो तेजा फेंक दिया उसके चेहरे पे। अब बोलो, अब ये क्या है ये बताओ? वो तीव्र राग था, वो चाहता था कि ये मेरी हो जाए और नहीं हुई तो फिर क्या किया उसने? तेजा पटक दिया उसके माथे, जला दिया उसको, उसको मारने लग गया। माने राग की पूर्ति नहीं तो वो राग द्वेष में बदल जाता है। माने द्वेष के पीछे यदि कुछ काम कर रहा है तो राग काम कर रहा है। राग भी खतरनाक है, कम खतरनाक नहीं है वो, सबसे ज्यादा राग ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमारे जो मुनिराज होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, वे वीत राग होते हैं। हमारे मुनिराज कैसे हैं? वीतरागी संत हैं। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, ये संत हमारे वीतरागी हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? भगवान भी वीतरागी हैं, राग जिनके नहीं है। ये तो अनंतानुबंधी कषाय की बात होगा ही होगा, भूमिका के अनुसार ये कषाय भाव नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी सुनो आप, भूमिका से उठ करके, ज्यादा ऊपर उठ करके आचरण पालना भी तीव्र कषाय के बिना नहीं होता। माने आपकी भूमिका अभी जो है, जिस पोजीशन में हो आप, जिस गृहस्थ दशा में हो, जिस लेवल पर हो, अंदर में मिथ्यात्म अनंतानुबंधी कषाय आदि है और तुम जबरन बाहर में पालने का प्रयास करो तो वो तीव्र कषाय का परिणाम है। पलता नहीं है वो, बहुत खेचतान होती है उसमें। एक तो जिसका अंदर से उपवास करने का परिणाम हो, उसके तो सहज में आराम से पलता है। तत्व ज्ञान हो, स्वाध्याय हो, अध्ययन हो, अब उपवास कर रहा है, आसानी से पलता है, उसे विकल्प ही नहीं आता है। और जिसे जबरदस्ती करना हो उपवास, उसे तो उठते बैठते बाद सुबह से ही याद आने लग जाती है। सुबह से ही विकल्प आने लग जाता है। देखो, रोजाना 10-11 बजे तक वैसे ही कुछ नहीं खाते हो, भले ही मंदिर जाते हैं, पूजन वूजन में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, फिर बनाते हैं 11-11.30 बजे करीब खाते हैं रोजाना। लेकिन जिस दिन उपवास करना हो ना, उस दिन सुबह 8 बजे से लगने लग भूख सी लगने लगती है। अब क्या हो गया? आज तो तुम्हारा उपवास है, बल्कि आज तो विकल्प नहीं आना चाहिए था। तो कह रहे हैं, भैया अभी तेरी भूमिका है नहीं, तू जबरन खेच तान करके पालन करेगा। दिन निकालना मुश्किल लगता है, दिन पूरा नहीं होता, दिन में 50 बार याद आती है, भोजन 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 भोजन, उपवास है उपवास है उपवास है उपवास है उपवास है, ये याद आती है। चाय याद आती है। मैंने सब तरह के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप जबरन तेला करने का प्रयास करो, आप जबरन 10 दिन के उपवास करने का प्रयास करो, मैंने तो उपवास की बात कही है, इस तरह से और चीजों में लगाना। माने जहां खेचतान हो वहां धर्म नहीं है। क्या दीपेश जी, धर्म में सहजता होनी चाहिए।
हिंसा नहीं होनी चाहिए, जबरन नहीं होनी चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आनंद आए उसका नाम धर्म है, आनंद नहीं आए कष्ट का अनुभव हो रहा है तो फिर धर्म नहीं है। अशांति का कारण थोड़ी ना होगा धर्म, धर्म तो शांति के लिए है, धर्म तो सुख के लिए है, धर्म बेचैनी के लिए नहीं है, धर्म आकुलता के लिए नहीं है। अब ये तो आकुलता हो रही है, तो तड़प रहा है, तो ए भगवान ए भगवान, बस एक दिन और निकल जाए, एक दिन और निकल जाए। घर क्या रहा है तू, कैसे निकाल रहा है तू, मरमर के निकाल रहा है, रो रो करके निकाल रहा है, एक एक पल एक एक घंटा तेरा रो रो करके बीत रहा है। फिर समझाने वाले थोड़ा सा और, थोड़ी सी और हिम्मत रख, थोड़ा सा और क्या हिम्मत रख, क्या कर। हाँ ऐसा ऐसा कलश है, बहुत सुंदर। ये भाई जो सुख और शांति है ये भारी क्रियाकांड से नहीं मिलती, सही बात है। इसलिए भाई कषाय भाव, अब ये इसके तो मौजूद है भाई, अब इसमें भी जिसके जितना, जिसके अनंतानंदी चले गई उसके उतना, जिसके अप्रत्याख्यान चले गई उसके उतना वितराग भाव होगा, जिसके प्रत्याख्यान भी चले गई उसके वितराग भाव उतना ज़्यादा होगा, जिसके संज्वलन भी चले गई वो भगवान बन जाएगा, पूर्ण वितरागी हो जाएगा। देखिए मिथ्यात्व के जाने पर जो राग भाव रहता है वह राग भाव गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में अल्प बाधक है। तो सही राग, और राग तो बाधक होता ही है लेकिन थोड़ा। अतः सबसे पहले अनंत संसार को बढ़ाने वाला मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता को नष्ट करने का उपदेश दिया जाता है। सबसे पहले मान्यता बदलो, मिथ्यात्व टूटे सबसे पहले, तो ये उल्टी मान्यता नहीं टूटे तो तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। चाहने पे भी नहीं टूटेंगे। आप बात तो सही कह रहे हो, आप इनका बात क्या कह रहे हैं, चाहने पे भी नहीं टूट रही है। सही बात तो यह है कि आप इसको तोड़ना तो चाह रहे हो लेकिन सम्यक पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। वो सम्यक पुरुषार्थ होता है अंतरोन्मुखी, तोड़ने की इच्छा से नहीं टूटती है। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ होता है तो वो स्वयं टूटती है। तोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, प्रयास उधर करना चाहिए। प्रयास अपने ज्ञायक का लक्ष्य करने का करो, हूँ कौन मैं ये भेद विज्ञान करने का प्रयास करो। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये परमात्मा कैसे बन गए हैं, परमात्मा बनने का मार्ग क्या है, परमात्मा कोई अलग नहीं होते। जो जीव भेद विज्ञान और पुरुषार्थ करते हैं वे जीव परमात्मा बन जाते हैं। हमारे यहाँ जो परमात्मा बनते हैं वे लौट करके संसार में नहीं आते, संसार में जो होते हैं वे परमात्मा बन करके ऊपर चले जाते हैं। ये जैन दर्शन की विशेषता है, दुनिया के सब दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ही तो ऐसा दर्शन है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है, जो ये कहता है कि सुनो लक्ष्य भगवान बनने का रखो, और क्या करो, लक्ष्य भगवान बनने का हो और पुरुषार्थ फिर धीरे धीरे भूमिका के अनुसार जैसा है वैसा बढ़ता चले, क्योंकि भगवान बनने के पहले मुनिराज भी बनेगा, क्या मुनिराज बनने के पहले व्रत भी होंगे, संयम भी लेगा, बारह नियमों का पालन भी होगा, धीरे धीरे स्वाध्याय भी होगा, अपने स्वरूप को समझना भी होगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। अब कोई ये बात कहे कि नहीं नहीं साहब आप तो एक काम करो, आप तो इतनी सी उम्मीद रखो कि हमें तो रात्रि भोजन छोड़ना है, काहे को बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी लंबी लंबी बातें क्यों करते हो कि भगवान बनेंगे हम, इतनी ऊँची ऊँची बातें क्यों करते हो। ये सुनो भाई, जिस जगह पर खड़े हो ना आज अभी, यहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन तक का विचार करना पड़ेगा, निर्णय यहाँ करना पड़ेगा अभी। आपको यदि समझ लीजिए भारतीय विद्या भवन जाना है मुंबई में, शिवाजी मंदिर जाना है मुंबई में, आपको वहाँ पहुँचना है दादर, तो आप यहाँ से इस बात का निर्णय करेंगे कि मुझे वहाँ जाना है तो यहाँ से मुझे टैक्सी पकड़नी होगी, फिर स्टेशन जाऊँगा, फिर ट्रेन पकड़ूँगा, फिर वो स्टेशन आने पर वहाँ उतरूँगा, फिर उतरने के बाद में वापस टैक्सी पकड़ूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, तब जा कर के पहुँचूँगा। ये निर्णय कब करना पड़ेगा आपको यहाँ। अब कोई व्यक्ति ये बात कहे, अरे यार इतनी आगे तक की बात बतला रहे हो, अभी तो इतना सा बतलाओ कि तुझे तो ऑटो पकड़ना है। अरे ऐसा ऐसे थोड़ी ना चलेगा काम।
क्या भाई साहब समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? कुछ पॉइंट समझ में आया क्या? कोई व्यक्ति ये कही अभी तो इतने इतने भाई इतनी लंबी बात अपने समझ में नहीं आती, अपने को तो इतना सा बतलाओ, अभी तो तेरे को ऑटो पकड़ करके रेलवे स्टेशन जाना है, फिर बाद में सोचना फिर आगे क्या करना है, हैं? बाद में सोचना, घर में बैठे बैठे सोचना पड़ेगा, कब ऑटो पकड़ना है, कब ट्रेन पकड़नी है, कब बस पकड़नी है, कहाँ जाकर के फ्लाइट पकड़नी है, कहाँ जाकर के चेंज करनी है, कहाँ जाकर के क्या होगा, ये सब पहले घर में बैठे बैठे नक्की करना पड़ेगा, तब जाकर के मंजिल तक सही सलामत ढंग से पहुंच पाएगा। और जिसने ये सोच लिया, अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, अभी पहले ये तो कर लो, ये भी करेंगे, लक्ष्य वहां का है, तो फिर ये काम तो रास्ते में होंगे ही अपने आप। लक्ष्य का निर्धारण अभी किया जाता है, लक्ष्य का निर्धारण पहले किया जाता है, अभी लक्ष्य का निर्धारण होगा तो फिर सब काम बराबर होंगे समय से। देखो क्या कहते हैं यहां, सबसे पहले ये काम मिथ्यात्व को नष्ट करना है, लक्ष्य सिद्ध दशा का है, लक्ष्य संसार से पार उतरने का है, तो संसार से पार उतरने की सोच रहा है, जौहरी बाजार तो पार होता नहीं है, सांगनेर जाने की सोच रहा है कि नहीं, लक्ष्य तो वहां का है, जौहरी बाजार भी आएगा बीच में, हल्दियों का रास्ता घिवालों का रास्ता भी आएगा बीच में, सांगनेरी गेट भी आएगा, लेकिन सांगनेरी गेट सोच करके नहीं रवाना होना, रवाना कहां सोच के होना है, पंकी जी मंदिर जाना है, सांगानेर जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है, वहां सोच करके जाएगा ना। अच्छा शिखर जी जाना हो भैया तो क्या करें, बोलो, ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी, हो सकता है फ्लाइट पकड़नी पड़े, हो सकता है बस लेनी पड़े, हो सकता है ऑटो टैक्सी लेनी पड़े, फिर वहां जाकर के हो सकता है कहाँ करना पड़े, जो जो भी हो, जैसे भी रिक्शा लेकर के आप वहां से वहां तक पहुंचो, फिर कुछ पैदल भी जाना पड़े, फिर कहीं इंतजार भी करना पड़े, ये सारी बातें पहले होगी ना। हमें शिखर जी जाना है, मान लो अभी जाना है, अक्टूबर में जाना है हमारे को शिखर जी, शिविर है वहाँ, पंचवर्षीय शिविर, बड़ा शिविर है, तो टिकट नहीं हो रहे, टिकट ही नहीं मिल रहे कहीं भी, अब टिकट नहीं मिल रहे तो अब क्या करें, बोलो, जैसे तैसे करके एक दो वेटिंग के अंदर जाने की टिकट तो ले लिए, अब आने की टिकट तो कहीं संभावना नहीं दिख रही वापसी में, तो क्या करें, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, अब क्या करें, बोलो, यहीं से लेकर के जाएंगे क्या, जो भी हो स्थिति, और निर्णय करना पड़ेगा वहां से कहां जाना है, वहां से कहां जाना है, दस जगह से दिमाग लगा लिया, धनबाद से देख लिया, गया से देख लिया, वहां से देख लिया, उधर से कोलकाता से देख लिया, फ्लाइट कनेक्शन देख लिए, ट्रेन का सफर देख लिया, दुनिया भर में दिमाग लगा लिया, कहां से कहां पहुंचे क्या करें, बोलो, अब वेटिंग क्लियर नहीं होगी, ये नक्की है बिल्कुल, अब मीटिंग में लेना है कि नहीं लेना है टिकट, बोलो क्या करें, तो एक काम करो, वहां से वहां का ले लो, फिर वहां से उधर का ले लो, फिर वहां से दिल्ली का ले लो, फिर दिल्ली से जयपुर साधन मिल जाएगा, ऐसे घूम फिर करके आ सकते हैं, ये कहाँ नक्की करना पड़ेगा, बोलो चाची जी, हैं, अभी अभी नक्की कर, अरे फिर देखेंगे यार, अभी तो ये करो, क्या करेगा, पागल हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, आपको क्या करना है, जो कुछ भी करना है आपको, जहां पहुंचना है ये पहुंचना नक्की है, बीच अपन जनता कॉलोनी में पहुंचना है, क्या ये घर है, यहां पहुंचना है अपने को वापस, अब यहां तक पहुंचने के लिए जो भी साधन होंगे क्या ये पहले नक्की करना पड़ेगा, तत्काल नहीं सोच सकते हो आप कि नहीं साहब वहां से ट्रेन पकड़ लेते हैं फिर वहां से फ्लाइट ले लेंगे, ये सुन पहले नक्की करना पड़ेगा दोनों के बीच में अंतराल कितना है, वहां से दिल्ली की फ्लाइट मिल रही है फिर दिल्ली से ट्रेन ले लेंगे फिर वहां से यहाँ आ जाएंगे, ये सुन फ्लाइट पहुंचती है सुबह 6 बजे, ट्रेन मिलती है शाम को 8 बजे, क्या करना है, तो पागल है, सुबह से शाम तक वहां रुका रहेगा, 5 घंटे में तो दिल्ली से जयपुर आ जाएगा दूसरी गाड़ी लेकर के, तो नक्की क्या करना पड़ेगा, बाद में नक्की करेंगे वहां पहुंच के, ये मोक्ष जाना है तेरे को, फाइनल डेस्टिनेशन तेरा वो है, शादी अनंत काल के लिए तुझे सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो पहले लक्ष्य बना, इधर वो लक्ष्य बना लिया अब क्या करें, अब तो स्टेप तो यहीं से चालू होगा, आपने नक्की कर लिया कि फ्लाइट से जाना है तो स्टेप तो यहीं से चालू होगा कि आपको कैब बुलानी पड़ेगी घर के बाहर, फिर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, आपने नक्की कर लिया ट्रेन से जाना है तो तेरे को घर के बाहर से ऑटो टैक्सी पकड़नी पड़ेगी स्टेशन तक जाने के लिए, स्टेप तो यहीं से शुरू होगा, वहां से शुरू नहीं होगा, वहां तक कैसे जाएगा,
यदि मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना है तो मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप तो यहीं से ही शुरू होगा। घर में रहते हुए सबसे पहले अपनी मान्यता बदल, अपना श्रद्धान बदल। सबसे पहले मिथ्यात्व को नष्ट करने का उपदेश दिया जाता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम ये है, मिथ्यात्व को नष्ट करने का उपदेश। देखो पत्र में क्या आया, जरा बात तो पढ़े। जीवंदर कुमार के नाम पत्नी का पत्र, ओपन पत्र है। आप लोग आश्चर्य हो रहा है, दादा सुनाते हैं घटना कभी। आज के जमाने में जब बच्चों को इस तरह की बात बतलाए कि पहले के जमाने में चिट्ठी ऐसी आया करती थी जो पोस्ट कार्ड होता था। पोस्ट कार्ड क्या होता है अभी आर्य को बताना हो ना, ये पोस्ट कार्ड होता था ऐसे, और 15 पैसे का आता था, फिर 25 पैसे का, फिर 50 पैसे का होकर के बंद हो गया। फिर 5 पैसे का आता था, हमने 15 पैसे तक का देखा है, हमने 5 पैसे का देखा। वो पोस्ट क्या होता था, ये पोस्ट कार्ड होता क्या है? बोले चिट्ठी होती है, चिट्ठी है, एक तरफ पता लिखा जाता है और बाकी सारे समाचार लिखे जाते हैं कि ये ऐसा पुराना एक दिन निकल गया घर में, देखा ऐसा ओपन लेटर पापा ओपन लेटर, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा खुला पत्र किसी को भी। और दादा कहते हैं दादा ने शादी के बाद में पत्र लिखा था अपनी वाइफ को तू ये पोस्ट कार्ड पे, और पूरे गांव में तो सब पढ़ते हुए ये चिट्ठी आई है। ये वो भी क्या जमाना था, आज तो चिट्ठियां बंद हो गई है। सोम बाबू जी बोलो, आज तो चिट्ठियां बंद हो गई है, कौन लिखता है? तार तो बंद कर ही दिए गवर्नमेंट ने, 150 साल पुरानी तार सेवा तो बंद कर दी गई, जरूरत ही नहीं। आज के इस इंटरनेट के जमाने में, आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन किसको चिट्ठियां लिखता है? सब बंद हो गया है ये सब। आजकल तो सेकंडों में मैसेज पहुंचते हैं, फेस टू फेस बात होती है, कहाँ जरूरत है इन चीजों की। लेकिन भाई ये तो जीवंदर कुमार की पत्नी गंधर्व दत्ता ने तो जीवंदर कुमार के लिए पत्र भेजा था, वो पत्र जीवंदर कुमार को मिला, देखें क्या लिखा है उसमें। 385 नंबर पेज 23 नंबर का श्लोक देखो, जीवंदर कुमार को गंधर्व दत्ता का पत्र। गुणमाला व्यथाशंसी पत्रम चाये मवाचयत चतुराणाम स्वकार्योक्ति स्वमुखान्न ही वर्तते। फिर जीवंदर कुमार ने गुणमाला की विरह पीड़ा का सूचक गंधर्व दत्ता का भेजा हुआ पत्र पढ़ा। गुणमाला भी पत्नी थी हैं? ये कह रहे हैं गुणमाला की विरह पीड़ा सूचक कि आपके चले जाने के बाद उसकी क्या हालत हो रही है। अब क्या करें, उसका नाम लेकर अपनी बात कह रही है। देखो समझदार लोग डायरेक्ट बात नहीं कहते, इशारा करते हैं। जगत में ऐसी कहावत चलती है कि बहू को समझाना हो तो बेटी को समझाया जाता है। जगत में चलती है ऐसी कहावत कि आपको बहू को समझाना हो तो बहू को मत समझाओ, क्या बेटी को समझाओ। ऐसे ही अब अपनी बात कहनी है, अब अपने मुंह से अपनी क्या बात कहें। लेकिन जो दूसरी थी ना गुणमाला, उसके नाम से उसकी विरह पीड़ा का सूचक यह पत्र लिखा। यहाँ नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से चतुर पुरुषों का निज मुख से अपने कार्य के लिए कहना नहीं होता है, ये नीति है भाई साहब। ये नीतिकार कह रहे हैं समझदार व्यक्ति अपने मुंह से अपने कार्य के लिए नहीं कहता। क्या आपको यदि अपने अधिकारी से तनख्वाह बढ़वानी हो ना तो आप अपने लिए नहीं कहते। आप ये समझदार आदमी ये कहता है कि लोगों का थोड़ा सा, लोग ये कह रहे हैं, ऐसा होता है, ये सहजी है ये स्वरूप इस तरह का। औरों के नाम से ये चतुर पुरुषों की ऐसी बात कही है, नीति है। जन सामान्य के ऊपर जो लागू हो उसे नीति कहा जाता है,
जन जन के ऊपर, इसमें कोई जैनियों का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैन हो चाहे अजैन हो, मानव मात्र के ऊपर जो लागू हो ऐसी नीति। और जीवंधर कुमार का ये चरित्र छत्र चूड़ामणि ग्रंथ ये तो नीति के लिए प्रसिद्ध है। सरल अर्थ में देखें, जीवंधर कुमार ने गंधर्व दत्ता द्वारा प्रेषित वह पत्र पढ़ा जिसमें गुणमाला के विरह दुख का वर्णन लिखा हुआ था। बुद्धिमान पुरुष अपने अंतरंग का अभिप्राय किसी दूसरे के बहाने ही प्रकट करते हैं, किसी और के बहाने ही अपने अंतरंग का प्रभाव प्रकट करते हैं। सरल अर्थ जीवन, ये तो सरल अर्थ पढ़ दिया अपन ने। विशेषास्त्र, चतुर गंधर्व दत्ता ने पत्र में अपने दुख की बात न लिखकर गुणमाला के विरह दुख का वर्णन विस्तार पूर्वक करके अपने दुखी होने के अभिप्राय को परोक्ष रूप से प्रकट कर ही दिया। क्या दोनों ही पत्नियां थी जीवंधर कुमार की, गंधर्व दत्ता भी पत्नी थी, गुणमाला भी पत्नी थी। पत्र लिख रही है गंधर्व दत्ता, बात कह रही है गुणमाला की, गुणमाला की बात गुणमाला ने तो कही नहीं थी, क्या कह तो स्वयं ही रही है ना। देखिए, पति के वियोग में पत्नी का दुखी रहना स्वाभाविक है, सही ही है ऐसा। तथापि गंधर्व दत्ता ने अपने विरह के दुख की बात सीधी नहीं लिखी, यही तो चतुर लोगों की चतुराई होती है, जैसे जीवंधर कुमार बली भांति समझ गए। क्या चतुर व्यक्ति यदि चतुराई से बात करे, सामने वाला व्यक्ति भी यदि चतुर हो तो चतुराई की बातों को समझ ही जाता है। गंधर्व दत्ता के पत्र का क्या प्रभाव पड़ा, मुझे लगता है जीवंधर कुमार के लौटने की तैयारी हो रही है। सेना तैयार हो गई थी, धनुर्विद्या दूसरे राजकुमारों को सिखा दी थी, धीरे धीरे सारा माहौल तैयार हो गया। अब इधर से समझो आप, पत्नी का पत्र आ गया, प्रेम भरा पत्र, विरह की बात लिखी कि भाई बहुत समय हो गया, अब तो आपकी याद सताती है। देखो क्या कह रहे हैं, पत्र का प्रभाव, अन्यापदेश संदेशात खेचरयाम खेदवानूत विद्वेष पक्षपातश्च प्रतिपात्रम च विद्यते। जीवंधर कुमार गुणवाला के बहाने से पत्र में लिखित संदेश से विद्याधरी गंधर्व दत्ता के लिए ही खेदित हुए, उन्हें गुणवाला की याद नहीं आई क्या, उन्हें तो गंधर्व दत्ता की ही याद आई। फिर नीतिकार की बात कह दी, निश्चय से द्वेष भाव और पक्षपात अर्थात प्रेम भाव प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम भाव सबका, पत्नी आए तो सब पत्नियों के प्रति एक जैसा होगा, या समझ लीजिए आपके चार पुत्र हैं तो चारों पुत्रों के प्रति एक जैसा प्रेम होगा। कहने को तो आप यही कहते हो हमारे लिए तो सभी बेटे हैं, तो भी आपका झुकाव किसी के प्रति तो विशेष होता ही है। ये सहज ही है इस तरह का स्वरूप, ये प्रेम भाव भी सबके प्रति एक जैसा नहीं होता और द्वेष भाव भी सबके प्रति एक जैसा नहीं होता। ये जगत का ऐसा स्वरूप है, राग भी विचित्र रूप में देखा जाता है और द्वेष भी विचित्र रूप में देखा जाता है। द्वेष भी सबके प्रति एक जैसा नहीं होता, आपके लिए सारे दुश्मन एक जैसे नहीं होते और आपके लिए सारे राग करने वाले अपने लोग एक जैसे नहीं होते, फर्क तो होता ही है, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा वो भिन्न, व्यक्तिगत है ये चीज, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। सरल अर्थ में देखो, गंधर्व दत्ता द्वारा गुणवाला के वहां ने लिखित समाचारों को पढ़कर जीवंधर कुमार अपनी विद्याधरी पत्नी गंधर्व दत्ता के विषय में अधिक दुखी हुए, क्योंकि प्रेम भाव और द्वेष भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अभिप्राय को व्यक्त कर ही देता है। विशेषार्थ, देखो विलक्षण बुद्धि की विचित्रता, विलक्षण बुद्धि है और विचित्रता भी है। जीवंधर कुमार ने पत्र में तो
गुणमाला के विरह दुख का वर्णन पढ़ा और मन में पत्नी गंधर्व दत्ता के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ा। ऐसा होता है। अभी तक जीवंधर कुमार ने 5 विवाह किए हैं, यहाँ तक गिनती आ गई, आप लोगों को याद नहीं हो तो बतला दिया, 5 हुए हैं। आप 5 की बात करते हो, हजारों अलाउ हुए हैं हमारे यहाँ तो। चक्रवर्ती सम्राट के तो 96,000 होती है, नारायण प्रतिनारायण भरभद्र आदि के हजारों हजारों की संख्याओं में होती है क्या? लेकिन जिसमें सामर्थ्य है कोई संभाल सकता है, यहाँ तो एक नहीं समझती है क्या? आज जो भारतीय कानून है, ये भारतीय कानून की दृष्टि से ये बात ठीक नहीं है क्या? कानून उसे स्वीकृति नहीं देता, हिंदू जो कानून है वो उसे स्वीकृति नहीं देता, मुस्लिम कानून में वो लॉ है वो उनके यहाँ तो मैं 4-4 विवाह करते हैं क्या? 4 के ज्यादा भी करते हैं, 4 का मतलब, 4 का मतलब ही ऐसा ही है, 4 का मतलब कितने ही, 4 का मतलब कई जगह आती है ऐसी 4-4 की बातें, 4 लोग क्या कहेंगे, 4-4 लोगों के बारे में विचार करना, सबके बारे में 4-4 लोग, 4 लोग शब्द जो है ये बहुत आयत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, 4 शब्द का प्रयोग, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। 4 का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब बहुत, क्या एक से ज्यादा पत्नी रख, अरे एक क्या 4 रखो तुम, ऐसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, एक की क्या बात करते हो तुम, 4 रखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि साहब ने एक साथ 2 काम कर सकता हूँ, कर तू 4 करे, एक दो की क्या बात कर रहा है, तो मैंने 4 शब्द का प्रयोग ये संख्यावाची नहीं होकर के बहुत तात्पर्य सूचक है, ठीक है, इसलिए आप 4 लोगों की परवाह मत करो कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, 4 लोग आपके विचारों के अनुसार चले, एक दिशा में 4 लोगों के विचार चले, ये बात तभी संभव है जब 5वां कंधे पर होता है। बाकी 4 लोग एक दिशा में मुंह करके चले, कोई क्या कहेगा और कोई क्या कहेगा, सबके विचार अलग अलग है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, ऐसा है, अलग अलग लोगों की मति झोपड़ी सबकी अलग अलग चलती है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, कि नहीं सब 4 लोग एक दिशा में मुंह करके चले एक साथ, पांचवे को लेकर के चलेंगे तो होगा ऐसा काम। देखो आप कोई बात नहीं, यहाँ तो आपने ऐसा पूछा कि विवाह कितने किए जा सकते हैं, जैन परंपरा में यदि प्राचीन रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सबको उठा करके देखें ना, अपन महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा करके देखें, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियाँ थी उनकी, 32,000 आर्यखंड से, श्री कृष्ण जी की कई कई विवाहों का वर्णन मिलता है, तो ये सब पुराणों में प्रथमानुयोग में तो वर्णन मिलता है, लेकिन इन प्रथमानुयोग का हवाला देकर के आप एक की जगह 2 भी रखने का प्रयास करोगे तो जेल हो जाएगी, इसलिए सावधान रहना। देखिए अभी तो आया ही था ना कहीं एक किसी का कोई केस आया था अभी ऐसा, किसी डॉक्टर का, जैन ही था शायद वो भी, उसने दूसरी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी से शादी कर ली तो उसको सजा हुई कुछ ऐसा कोई केस आया था अखबार में 2-5 दिन पहले। अभी तक जीवंधर कुमार ने 5 विवाह किए हैं, वैसे तो प्रत्येक पत्नी के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम तो था ही, परंतु गंधर्व दत्ता के प्रति उनका विशेष प्रेम परिलक्षित होता है, ये ऐसा ख्याल में आ रहा है। चलिए तो एक और पढ़ लेते हैं अपन, फिर रात की विशालता की चर्चा करेंगे, समय तो हो गया है वैसे, लेकिन 2-3 मिनट और तो कुछ बात आए और विशेष। तो विवेकी महापुरुषों की विशेषता, प्रिया शोक श्रुतिर जाते शोकोप्येतस्य न स्फुरत नहि प्रसाद खेदाभ्याम विक्रियन्ते विवेकिने। अपनी प्रिया गंधर्व दत्ता के शोक को सुनने से इन कुमार के उत्पन्न शोक भी बाहर प्रकट नहीं हुआ,
निश्चय से विवेकी पुरुष हर्ष से और विषाद से विकार भाव को प्राप्त नहीं होते, मन में रखते हैं वो बात व्यक्त नहीं करते। पत्र के माध्यम से अपनी प्रिय पत्नी गंधर्व दत्ता के दुख का अनुभव कर जीवंधर कुमार अंतरंग में अत्यंत शोक संतप्त हुए, परंतु उन्होंने अपने अनुज नंदाड्य के समक्ष शोक व्यक्त नहीं किया। यह योगी ही है, क्योंकि विवेकी पुरुष अपने मन में उत्पन्न होने वाले हर्ष विषाद को प्रकट नहीं होने देते। देखो, हीन सामर्थ्य वाले लोग, वो उनके पेट में बात पचती नहीं है, और जो विशेष सामर्थ्य वाले लोग होते हैं वे अपने अपमान की बात हो चाहे प्रशंसा की बात हो, विशेष तीव्र राग की बात हो चाहे द्वेष की बात हो, वे दोनों ही बातों को अपने हृदय में धैर्य पूर्वक रख लेते हैं। कहा भी गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। इस न्याय से सामान्य जन छोटे छोटे हर्ष और विषाद के कारणों से तत्काल प्रभावित होते हैं। पानी का घड़ा आधा भरा हुआ हो और कोई व्यक्ति लेकर के चल रहा हो तो पानी उछलता ज्यादा है, बैलेंस नहीं बनता उसका, और पूरा भरा हुआ हो तो वो बैलेंस रहता है, वो भरा हुआ रहता है, माने थोड़ा होता है तो उछलता ज्यादा है, ये कह रहे हैं यहाँ। और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं हर्ष विषाद के कारण, किंतु महापुरुष ऐसा नहीं करते। जीवंधर कुमार ने धैर्य धारण कर अपनी महानता का परिचय दिया है, और नीतिकारों ने जीवंधर कुमार के चरित्र के माध्यम से हम आप लोगों को यह भी सिखा दिया है कि अपनी महानता का परिचय देवें, थोड़ा धैर्य रखें, अपने जीवन में घटने वाली ऊपर और नीचे जो भी ऊंच नीच जो घटनाएं घटती है उनमें जितना धैर्य रखने का प्रयास करेंगे उतने आप सफल इंसान कहलाएंगे। हम सभी अपने मनुष्य जीवन को अत्यधिक धैर्य पूर्वक सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं।